को ऊपर चढ़ा दिए हैं और गाइज जिस रास्ता से आप लोग को दिखाए थे जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और गाइज अभी भी थोड़ा सा बाकी है और हम सक्सेसफुली ऊपर चढ़ जाएंगे। तो गाइज कुछ आवाज आ रही है यार, किधर से आ रहा है? उधर से आ रहा है। तो गाइज अभी वहाँ से कुछ ऐसा आवाज आ रहा है, अभी तक तो हमको कुछ नहीं देखने को मिला था, आवाज आ रहा है, जाए कि नहीं वहाँ? तो गाइज अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और मेरा टीम अभी इतना रात को क्यों आया है। तो गाइज बहुत सारे सब्सक्राइबर के डिमांड पर हम आज लेके आए हैं एक ऐसा घोस्ट चैलेंज। गाइज अभी हम लोग है अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव है जो कि काफी ज्यादा हंटेड गांव है, विलेज है। और गाइज इस गांव में एक स्कूल है जो कि बताया जाता है कि करीब 20 साल से वो स्कूल बंद है और उसमें वगैरह हुआ था एक लड़की का। तो गाइज वहाँ बताया जाता है कि एक लड़की का चुका था और उस वजह से वो एरिया जो है काफी ज्यादा हंटेड है, वो स्कूल काफी ज्यादा हंटेड है। मैं और मेरा टीम, हमारा जो कैमरामैन है, बस इतना आदमी ही जा रहे हैं। गाइस हमारा बाइक वगैरह तैयार है, अभी भी यहाँ से हमको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक वीडियो है, आप लोग जो है इस वीडियो के लिए फटाफट से जो लाइक का बटन है दबा देना और काफी ज्यादा रिस्क है इस वीडियो को बनाने में। वो स्कूल पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या सच में वहाँ पर कोई ऐसा चीज मिलता है या फिर नहीं, या झूठी कहानी है, वो आप लोग और हमको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अपने बाइक से। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग जो है यहाँ आ चुके हैं और गाइज अभी मेरे जस्ट पीछे आप लोग देख सकते हो। और गाइज देखो इसका नजारा देखो भाई, ये इतना ज्यादा अभी भूतिया घोस्ट हंटेड, बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। इसके अंदर भी हम जाएंगे और अंदर जाना थोड़ा सा रिस्की है, पहले हम बाहर से रेस्क्यू करते हैं उसके बाद अंदर भी हो सकता है तो जाएंगे और देखते हैं यहाँ हम लोग को क्या चीज देखने को मिलता है। और गाइज बताया जाता है कि यहाँ बहुत ही अजीब अजीब आवाजें भी निकलती है या फिर ये फेक बात है, आज ये सब चीज खुलासा होगा कि इतना डरावना नजारा है गाइज आप लोग देख सकते हो। तो गाइज हमारा गाड़ी वाड़ी जो है हम साइड में लगा दिए हैं और गाइज अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं और गाइज देखते हैं हमको कोई ऐसा चीज देखने को मिलता है या फिर नहीं। और गाइज यहाँ जो है ना रात को कोई भी नहीं आता है भाई, कोई भी नहीं, सुनसान एरिया है ना कि मतलब क्या ही बताऊं। और देख सकते हो ये इतना ज्यादा पुराना स्कूल है कि आप इसका पाइप वगैरह से ही अंदाजा लगा सकते हो, ये फूट गया है सब कुछ। देख सकते हो पूरा दीवार जो है काला पड़ चुका है, बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। और गाइज इधर देख सकते हो इतना सारा जंगल है भाई साहब, इसमें सांप कीड़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है। देख सकते हो हमारा जो स्कूल है कुछ ऐसा है भाई, ये 1 2 3 4 3 फ्लोर है और गाइज ऊपर जो है छत है और 3 फ्लोर का भाई 20 साल से बंद है, यहाँ कोई नहीं आता गाइज, हम लोग ही आए हैं। आप लोगों के कमेंट ज्यादा करने पर हम लोग वीडियो जो है बनाने के लिए आए, शूट करने के लिए आए। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हमारा टीम लोग जो है रेस्क्यू कर रहा है और गाइज यहाँ देखो भाई इतना सारा जंगल है। और गाइज पहले सबसे पहले ये देखो हम लोग आ चुके हैं, एक ग्रिल है और गाइज ये देखो हमारा टीम लोग रेस्क्यू कर रहा है, बहुत ज्यादा जंगल है तो सावधानी पूर्वक ही हमको जाना पड़ेगा। ये इसका सीढ़ी भाई, आप लोग सीढ़ी से ही अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पूरा जंगल हो चुका है। ये देखो भाई पेन वगैरह भी मिला है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि स्कूल जो है कितना ज्यादा पहले ही बंद हो चुका था। इतना जंगल वगैरह से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पुराना स्कूल है। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो ग्रिल में ताला लगा हुआ है तो अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि हम इस फ्लोर से ऊपर जा सकते हैं, बट गाइज अगर गिरे तो हमारा मौत पक्का है। गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हम सब टीम को तो ऊपर चढ़ा दिए हैं और गाइज जिस रास्ता से आप लोग को दिखाए थे जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और गाइज अभी भी थोड़ा सा बाकी है और हम सक्सेसफुली ऊपर चढ़ जाएंगे। अंगूस तुम पहले चढ़ो। और गाइज आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग जैसे तैसे जो है ऊपर चढ़े हैं। तो गाइज यार ये काफी ज्यादा रिस्की है और हम जैसे तैसे जो है ऊपर चढ़ गए हैं। तो गाइज यार आप लोग देख सकते हो ये इसका गली है और गाइज अभी जो है हम लोग दूसरा फ्लोर पर हैं। और गाइज आप लोग देख सकते हो ये बोर्ड, तो आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि ये स्कूल कितना ज्यादा पुराना है, बोर्ड वगैरह टूटा पड़ा है। देख सकते हो कितना कचरा वगैरह है, रूम ये पूरा रूम है। और गाइज हमारा आवाज जो है ये रूम में पूरा गूंज रहा है, देख सकते हो अगर माइक हम हटा दे तो आवाज मेरा टकरा रहा है इस रूम से, पूरा रूम कचरा से भरा हुआ है, कुछ कार्डबोर्ड वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है, कितना ज्यादा इसमें मकड़े का झाल वगैरह लगा हुआ है। गाइज देख सकते हो ये पूरा मकड़े का झाल वगैरह है और गाइज ये देखो मकड़ा का झाल। ये सब चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्कूल कितना ज्यादा पुराना है और कितना ज्यादा हंटेड स्कूल है। देखो इसका जो है विंडो जो है ये विंडो भी पूरा एकदम फूट चुका है और गाइज ये रूम तो है काफी ज्यादा हंटेड, अभी भी 2 फ्लोर बाकी है तो हम पूरा रोड पर जाके चेक करेंगे क्या हम लोग को कुछ भी मिलता है। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो कितना खंडर हो चुका है ये जगह। और आगे आओ, अभी गली बहुत ज्यादा है, इसका दीवार वगैरह पूरा ये देखो, ये इधर देखो
पूरा दीवार वगैरह सब कुछ झड़ा पड़ा है गाइस। तो भाई लोग यार आप लोग देख सकते हो इस गेट की क्या हाल हो चुकी है, पूरा पार्ट पार्ट इसका खुल चुका है। एक डंडा ले लेते हैं शायद काम आ जाए। बेसन पूरा मतलब खत्म ही है गाइस, पूरा ये नल पूरा खत्म है। टाइल्स टाइल्स सब गाइस टूटा हुआ है इसका, पूरा मतलब लगभग 20 ईयर्स हो गया है इस कॉलेज का, इसीलिए गाइस ऐसा हाल है। तो गाइस अभी तक तो हमें कुछ ऐसा चीज देखने को नहीं मिला है जिससे हम लोग ये समझे कि यहाँ कोई बुरी आत्मा रहता है। हम लोग सेकंड फ्लोर पर है और देख सकते हो यहाँ से नीचे है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये स्कूल इतना ज्यादा पुराना है कि इसमें दीवार के अंदर पेड़ जो है उग गया है, पूरा जमीन काला पड़ चुका है और ये काफी ज्यादा हंटेड लग रहा है भाई, पूरा डरावना लग रहा है। अभी हम लोग इसके थर्ड फ्लोर पर जाएंगे, उसके बाद एक फ्लोर और है और आप लोग को दिखाते हैं थर्ड फ्लोर पर हमारा कैसा माहौल है और क्या सब चीज देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर और गाइस आप लोग हालत देख सकते हो भाई, ये देखो ये सब जो है विंडोज वगैरह का पड़ा हुआ सामान है, ये देख सकते हो कार्डबोर्ड है, बोर्ड दिखा चुके हैं जिस पर सवाल वगैरह लिखा हुआ है। तो इस चीज से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गया है इसमें पढ़ाई वगैरह किए हुए सबको। दीवार से ही अंदाजा लगा भाई, इसका दीवार देखो पूरा चीज जितना सीमेंट वगैरह है झड़ के एकदम समाप्त हो चुका है। ये है एक सीढ़ी और ये सीढ़ी एक ऐसा सीढ़ी है जो हमारा थर्ड फ्लोर पर जाएगा। ओए 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 इधर आओ, थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। थर्ड फ्लोर पर आते ही हमको सबसे पहले जो चीज देखने को मिल रहा है वो कांच वगैरह देखने को मिल रहा है और देखो भाई कुछ ऐसा हालत है भाई, देखो ये पूरा पूरा हंटेड लग रहा है। इमेजिन करो गाइज ये कितना ज्यादा हंटेड हो सकता है भाई लोग। तो गाइज ये देख सकते हो इस दीवार की क्या हालत है, इधर क्या है भाई लोग। और गाइज ये देख सकते हो हमारा बालकनी है जो कि थर्ड फ्लोर का बालकनी है, ये देख सकते हो कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है जो कि जब स्कूल चलता होगा तभी लग रहा है ये नाम वगैरह लिखा होगा और इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं गाइज। तो आप लोग देख सकते हो ये भी बालकनी जो है पूरा काला पड़ चुका है। तो गाइज यहाँ जो है मधुमक्खी वगैरह काफी ज्यादा है तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो गाइज अभी हम लोग जिस सीढ़ी पर चढ़े हैं वो फोर्थ फ्लोर है और देख सकते हो लास्ट फ्लोर हमारा यही है और इसका भी हालत पूरा बेकार है गाइज, मधुमक्खी का छत्ता वगैरह है गाइज, देख सकते हो गेट का कैसा हालत है। और गाइज लास्ट फ्लोर हमारा कुछ ऐसा है, देखो कितना बड़ा है गाइज, यहाँ झाड़ू वगैरह पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो ये शायद पता नहीं क्या है गाइज। सबसे लास्ट फ्लोर पर अभी हम लोग आ चुके हैं, नीचे आप लोग देख सकते हो इसके नीचे कुछ गोदाम टाइप का बना हुआ है और अंदर काफी ज्यादा है जो है और मधुमक्खी गाइस बहुत ज्यादा है तो काटने का भी डर है। आप लोग देख सकते हो वहाँ एक बाथरूम है और ये बाथरूम भी बंद है तो इसको भी हम नहीं टच करेंगे। और गाइस देख सकते हो बाथरूम के जस्ट साइड में पेड़ वगैरह जो है लग चुका है क्योंकि जितना ज्यादा पुराना स्कूल है उस हिसाब से हम बताए तो पेड़ वगैरह लगना मामूली बात है। तो गाइस अभी तो हमें यहाँ कुछ ऐसा चीज देखने को नहीं मिला क्या। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा वॉइस हमों को सुन, अभी तक तो गाइस ऐसा कुछ सीन नहीं मिला तो वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो चलो इतना ध्यान मत दो, चलो यहाँ से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ तो है ना यार, कुछ आवाज आ रही है यार, किधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो गाइस अभी वहाँ से कुछ ऐसा आवाज आ रहा है, अभी तक तो हमको कुछ नहीं देखने को मिला था, आवाज आ रहा है जाए कि नहीं वहाँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा वॉइस आया था, लेकिन गाइस ये तो बाथरूम था। अरे यार ये तो बाथरूम नहीं है यार गाइस, हम एक छोटा सा रूम समझ के देखे थे कि हम समझे ये बाथरूम होगा। अरे यार यहाँ तो सीढ़ी वगैरह है तो गाइस हम इसको समझे थे बाथरूम होगा लेकिन ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी कहाँ जाता है ये तो हमको नहीं मालूम। इधर से ही वॉइस आया यार, इधर से ही वॉइस आया था, यहीं से आया जस्ट, यहीं इधर से ही वॉइस आया था। नीचे चले? नहीं यार नीचे जाना ठीक नहीं होगा गाइस, इधर से ही वॉइस आया था। निकलो निकलो यहाँ से निकलो, ए अभिषेक निकलो, अंकुश। और गाइस इधर से वॉइस आया था, ज्यादा रहना ठीक नहीं है, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो हमको कोई ऐसा चीज नहीं मिला था। तो गाइस एक सिर्फ वॉइस सुनने को मिला था और उससे ज्यादा कुछ नहीं सुनने को मिला है, सिर्फ एक वॉइस हमको सुनने को मिला था। और गाइस हंटेड तो है, ये जो है घोस्ट इलाका है और हंटेड काफी ज्यादा है। तो गाइस हम इसी एरिया से ऊपर आए थे और इसी एरिया से हम बाहर जा रहे हैं और गाइस आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। और गाइस हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय।